मेरा नाम सैंटियागो है। मैं एक गडरिया यानी एक शेपर्ड हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और वो चाहते थे कि मैं एक पादरी बनूं, मगर मैं तो सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने इस सफर पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? सैंटियागो मी पोलितो सैंटियागो, मैं कल चर्च गया था। वहाँ पादरी साहब मिले और बोले कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कोई हो जो इस चर्च की जिम्मेदारी संभाल पाए। तुम्हारा बेटा सैंटियागो वो भी तो पढ़ा लिखा है, लैटिन भी पढ़ लिख लेता है, क्यों नहीं वही पादरी बन जाता। वैसे भी ये बहुत इज्जत का पेशा है, तो क्या कहते हो सैंटियागो? पिताजी ये सच है कि मैं स्पैनिश बोल लेता हूँ और जो स्पैनिश भाषा में कुछ पढ़ना हो तो मेरे शरीर में संगीत सा भर जाता है। ये भी सच है कि मैं लैटिन पढ़ समझ लेता हूँ, मगर मेरे धर्मशास्त्र में ज्यादा रुचि इसलिए है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो इस अद्भुत संसार को लेकर मेरा मन डोल उठता है कि जब भाषाएं इतनी खूबसूरत है तो संसार कितना सुंदर होगा। पिताजी मैं सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ, नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। इस गांव से दुनिया भर के लोग गुजरते हैं, क्या जानना चाहते हो? वो सब हमारे जैसे ही तो होते हैं। पिताजी मैं उन शहरों और महलों को देखना चाहता हूँ जहाँ वो लोग रहते हैं। वो लोग जब हमारे गांव से गुजरते हैं तो वो खुद कहते हैं कि हमारा गांव कितना सुंदर है, वो खुद हमारे गांव में हमेशा के लिए रह जाना चाहते हैं। पिताजी ये सच है कि हमारा गांव बहुत सुंदर है, पर मैं भी उन लोगों का गांव, उनकी जमीन, उनका रहन सहन देखना चाहता हूँ। मी पोली तो वो घूम सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, हम गरीबों में तो गडरियों का ही इतना भाग्य है जो इतना घूम सके। तो पिताजी मैं गडरिया बनूंगा। जैसा तुम चाहो, तुम्हें अपनी नियति तय करने का पूरा अधिकार है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ यही 3 सिक्के हैं, तुम इनसे अपने लिए भेड़े खरीद कर अपना सफर शुरू कर पाओगे। धन्यवाद पिताजी। शाबाश दोस्तों, चलते रहो, जल्दी पास वाले गांव में पहुंचकर तुम्हारे बाल कटवाऊंगा और तुम्हें इस गर्मी से छुटकारा मिलेगा। वहां मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ। हाँ हाँ, कहानी सुनने का बहुत शौक है तुम्हें। चलो चलो, चलते रहो, हमें रात को रुकने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी है। चलो चलो, चलते रहो। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। वहाँ का रास्ता तो बताओ। रास्ता? अरे बच्चा कहाँ गया, अभी तो यहीं पर था। तुमने किसी को देखा क्या? वो बच्चा कहाँ गया, अभी तो यहीं पर था, शायद सपना था।